Hello students, and welcome back to our channel once again. In today's video, I'm gonna discuss about 40 most important MCQ for your NEET examination as well as for your AIIMS examination. And today's topic is breathing and exchange of gases. इससे पहले already मैंने digestion and absorption के video upload कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने बात की थी about 30 most important MCQ for NEET and AIIMS examination. अगर आपने वो video नहीं देखी है, तो please उसे जरूर देखिए. Description box के अंदर मैंने link already provide कर दिया है. तो ये जो questions हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिससे क्या होगा, हर कोई आपसे कहता है कि आपको 30 इयर्स 40 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए. तो मैंने ये जो क्वेश्चन सीरीज बनाई है, इसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसीडर किया है, ताकि आपके दो चीज़ें एक साथ हो जाए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए एज वेल एज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. ओके, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर हो जाए एज वेल एज बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरीके से चैप्टर वाइज हर एक वीडियो आपके पास आने वाली है. और हमने टेस्ट का शेड्यूल भी यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, आप कम्युनिटी टैब में जाकर टेस्ट शेड्यूल भी देख सकते हैं. सो गाइज, चलिए, लाइक टारगेट है इस वीडियो का 200 लाइक्स, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा. और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो लास्ट का मंथ है, ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे भी ला सकता है. ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो. शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सर्फेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स. ये री पी एम टी 2015, जैसे कि हम जानते हैं 2015 के अंदर हमारे दो पीएमटी हुए थे, तो उसके अंदर सेकंड जो पीएमटी हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये. आपके ऑप्शंस हैं अस्थमा, प्लूरेसी, एम्फिसेमा एज वेल एज निमोनिया. आपके पास 10 सेकंड्स हैं अपना आंसर बताने के लिए. जो भी आपका आंसर आता है, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्फिसेमा, द सी ऑप्शन. अगर आपका ये सही है आंसर, तो अपने आप को +4 मार्क्स दें, और अगर गलत है तो -1 कर लें. नेक्स्ट हम चलते हैं. एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से सबसे सही एक्सप्लेनेशन, बोलते हैं ना असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, ये उस तरीके के क्वेश्चन है. तो आपको बताना है इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा एक्सप्लेनेशन सबसे सही है इस आरबीसी की स्टेटमेंट के लिए, कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएट होती हैं. पहली स्टेटमेंट है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस. सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर, एक सेकेंड, दे आर सोमैटिक सेल्स. जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो है दे डू नॉट मेटाबोलाइज. और लास्ट आपकी जो स्टेटमेंट है वो है ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. सो आपके पास चार ऑप्शन है, ओनली डी, यानी कि सिर्फ डी वाली स्टेटमेंट सही है. ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. ए बी और डी, सॉरी ए सी और डी तीनों ही सही हैं, या फिर डी बी और सी तीनों ही सही हैं. आपके पास चारों ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर बताएं. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप आपको आपका सही आंसर मिल गया होगा. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली डी, ठीक है. यानी कि जो आर बी सीज हैं ह्यूमन्स के अंदर, जो आर बी सीज होती हैं वो ई न्यूक्लिएट होती हैं, बिकॉज ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. जितना भी उनके अंदर स्पेस होता है वो न्यूक्लियस के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज. आपके पास ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, जिसके अंदर आपको ये बोल रहे हैं कि जो आपके लंग्स हैं वो कभी भी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं करते हैं. जब आप सांस लेते हो, इनहेल या एक्सहेल करते हो, हमेशा कुछ अमाउंट होता है एयर का जो लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, जो कभी भी एक्सहेल होगा ही नहीं, कभी भी निकलेगा ही नहीं, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. ऑप्शन बी, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ऑप्शन नंबर सी, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. या फिर ऑप्शन नंबर डी, देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स. सो आपके पास 5 सेकंड्स हैं अपना आंसर पता करने के लिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स. ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई ऑफ द लंग के अंदर वो क्या होता है, कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ लेस देन दैट इन द ब्लड, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो एल्वियोलाई ऑफ द लंग के अंदर कम होता है देन इन द ब्लड, वो इट इज़ लेस देन दैट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड. सी ऑप्शन इक्वल टू दैट इन द ब्लड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोर देन दैट इन द ब्लड. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी मोर देन दैट इन द ब्लड. ओके, सो आई होप आपको सही आंसर मिल गया होगा. अगर सही है आपका आंसर तो प्लस 4 मार्क्स दीजिए, और अगर गलत है तो -1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए. नेक्स्ट हम चलते हैं अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये PMT 2016 का क्वेश्चन है. बी ऑप्शन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स. ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के पास. नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, ये 2016 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए इम्फिसेमा, ऑप्शन नंबर बी अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी एक्यूडोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी एल्कियोलोसिस. सो आई होप आपको आपका सही आंसर मिल गया होगा. द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एम्फिसेमा. एम्फिसेमा इज द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग. कोई आपसे बोले कि अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली स्मोक करता है तो उसको कौन सा डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, तो वो डिसऑर्डर क्या होगा, एम्फिसेमा. नेक्स्ट है आपका अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. अप्रॉक्सीमेटली कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय ब्लड, जो आगे जाके ट्रांसपोर्ट होती है टू द लंग्स. 70% जो है अब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो ये कैसे होता है. ऑप्शन नंबर ए बाय बाइंडिंग टू RBC, ऑप्शन नंबर बी एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी एज बाइकार्बोनेट आयंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल्स. सो AIPMT 2014 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है ये. द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी एज बाइकार्बोनेट आयंस. नेक्स्ट चलते हैं द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट इज इट. देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा ग्रेटेस्ट सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर जो आप यहाँ पर एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम इन्हेलेशन एफर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं. ए रेसिडुअल वॉल्यूम, बी टाइडल वॉल्यूम, सी वाइटल कैपेसिटी, या फिर डी लंग वॉल्यूम. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाइटल कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम एक्सहेलेशन वाली कैपेसिटी और मैक्सिमम इन्हेलेशन वाली कैपेसिटी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. उसके बाद हम चलते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर ए ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट इज कैरिड टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी. ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी. ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी. ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी इस पर्टिकुलर लाइन पे मैंने आपको बोला था. अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लेक्चर वीडियोस जिसके अंदर मैंने पूरी NCERT एक्सप्लेन की है, तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑल, इन सभी की लेक्चर्स मिल जाएंगे. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियास एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सपायरेशन डायग्राम बिकम्स, ठीक है, एक्सपायरेशन के टाइम पर जो आपका डायग्राम होता है वो क्या बन जाता है. वो फ्लैट हो जाता है, ए फ्लैटेंड, बी रिलैक्स्ड हो जाता है, सी स्ट्रेटेंड, या फिर डी आर्क्ड या फिर डोम शेप का हो जाता है. सो जब हम एक्सपायर यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो हमारा जो डायग्राम है इट बिकम्स रिलैक्स्ड. ये PMT 1993 का क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैमल के अंदर वॉइस जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है. ए ब्रोंकस,
B syrinx, C larynx, या फिर D inhalation and exhalation. ये PMT 2000 का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी लैरिंग्स. नेक्स्ट चलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन. जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ए सेरिबेलम में, बी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, सी हाइपोथैलेमस, या फिर डी सेरिब्रम में. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हेमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर बिहार पीएमटी 2004. ठीक है, ये नॉट फॉर, ये आपका क्वेश्चन का ईयर है, 2004 में आया था ये क्वेश्चन. सो आपका हेमोग्लोबिन जो है उसकी मैक्सिमम एफिनिटी किसके लिए होती है, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका ऑक्सीजन, या फिर डी अमोनिया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. हाई परसेंटेज ऑफ CO2 एंड वेरी लो परसेंटेज ऑफ O2 मे मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस. देखिए, अगर CO2 की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, उसकी वजह से पर्सन जो है बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, ए यूपनिया की वजह से, बी एम्फिसेमा की वजह से, सी सफोकेशन की वजह से, या फिर डी एस्फिक्सिया की वजह से. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी एस्फिक्सिया. ओके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर जिसके आंसर आपको नहीं पता थे प्लीज़ उस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, हेल्प आएगी आपको बाद में. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम. आपको इन सभी को इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज करना है. एम्स 2007 का क्वेश्चन है ये. ए टाइडल वॉल्यूम, बी रेसिडुअल वॉल्यूम, सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर डी आपका वाइटल कैपेसिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, वीडियो को आप स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आपको आपका आंसर नहीं मिला है अभी, क्योंकि एक तरीके का टेस्ट है आपका ये, आपको सिर्फ आंसर्स नहीं देखने हैं, आपको खुद आंसर्स यहाँ पर टिक भी करने हैं. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी 1, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम, फिर है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, वाइटल कैपेसिटी, जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम इनहेलेशन और मैक्सिमम एक्सहेलेशन. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग. जो एयर होती है दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, विद ईच नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड. जब जब आपका इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है वो नॉर्मल लेवल पर हो रहा है, तो ये कौन सी आपकी इसको आप क्या बोलोगे, ए रेसिडुअल वॉल्यूम, बी वाइटल कैपेसिटी, सी टाइडल वॉल्यूम, या फिर डी टाइडल कैपेसिटी. जब एकदम नॉर्मल लेवल पर आप एक्सहेल कर रहे हो और इनहेल कर रहे हो, सो इट इज़ नोन एज सी टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट हम चलते हैं. अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, देन रिमेनिंग 3% इज. 97% ऑक्सीजन जो है वो तो RBC ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन जो बचा हुआ 3% है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर उसका क्या होता है, ए इट रिटेन्ड इन लंग्स, बी डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड, नाउ सी अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, और डी है आपका इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आप स्टॉप कर सकते हो अगर आपको आपका आंसर नहीं मिला है तो, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड देन ट्रांसपोर्टेड. नेक्स्ट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन इज, ए सिग्मोइड, बी हाइपरबॉलिक, सी लीनियर, या फिर डी हाइपरबॉलिक. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आपका सिग्मोइड. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है. ए है PCO2 इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg. बी ऑप्शन है आपका PCO2 ऑफ एल्वुलर एयर इज 40 mmHg. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका O2 एल्वुलर एयर इज 104 mmHg. O2 ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, CO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg, यानी कि ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये गलत है.
नेक्स्ट टाइम चलते हैं, बाकी की तीनों सही थी। तो आपको अगर इसी सेम क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको ज़रूर टिक करें। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि हेमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी किसके लिए होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सो इट एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा होती है ये, 1000 times, 200 times, 20 times या फिर 2 times। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ 200 times। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देयर इज, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या चीज जो है पॉइजनिंग है यहाँ पर। नाउ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों बन जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज इन फ्री हेमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन फ्री हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम चलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर इज, AMU 2010 का क्वेश्चन है, 45 mmHg, नेक्स्ट इज 125 mmHg, सी इज 100 mmHg, या फिर डी 104 mmHg। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर इज 104 mmHg। आई एम वेरी सॉरी इफ अगर साउंड थोड़ा लो आ रहा है या फिर अजीब आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द शेड्यूल। ओके, सो इस बात पे लाइक कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। स्किन इज एन एक्सेसरी ग्लैंड, सॉरी एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, स्किन जो है वो एक एक्सेसरी ऑर्गन की तरह काम करता है फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। ऐसा किसके अंदर होता है, ए ह्यूमंस के अंदर, बी फ्रॉग के अंदर, सी रैबिट के अंदर, या फिर डी लिजार्ड के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग जो है अपनी स्किन से ही सांस लेता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर मेक्स ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इट मेक्स ऑक्सीजन वाला जो हेमोग्लोबिन का ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, सो किस तरीके का आपका ग्राफ होगा, किस तरफ वो शिफ्ट होगा, या तो वो शिफ्ट होगा राइट की तरफ, या फिर लेफ्ट की तरफ, या फिर वो पैराबॉलिक बन जाएगा, या फिर हाइपरबॉलिक बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट विल शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एट अ गिवन ओ टू कंसेंट्रेशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, ठीक है, अगर ओ टू की कंसेंट्रेशन आपको दी गई है, देन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच है उसको इंक्रीज करते हो, अगर ब्लड का पीएच कम हो जाता है तो ऐसा होगा, सीओ टू की कंसेंट्रेशन जो ब्लड के अंदर है वो कम हो जाए, या फिर फ्री फैटी एसिड की कंसेंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर वो कम हो जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स, यानी कि पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीओ टू इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, आरबीसी के द्वारा कितना परसेंटेज ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ए है आपका 70%, बी है आपका 20-25%, सी है आपका 7%, और डी है आपका 97%। ओके, सो हेयर गोज, आपका द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 20-25% ऑफ सी ओ टू इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, और कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन 97 होता उस टाइम पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 2 questions बनकर आ रहे हैं आपके, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट है, विच कैन बाइंड सेवरल 100 times मोर स्ट्रांगली टू हेमोग्लोबिन दैन ऑक्सीजन, इनमें से 700 गुना ज़्यादा कौन हेमोग्लोबिन से जाकर बाइंड कर सकता है देन ऑक्सीजन, ए CO2, बी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपका H2CO3, या फिर डी आपका SO2। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हेमोग्लोबिन से सबसे हाइयर एफिनिटी किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन हैज़ द लोएस्ट वैल्यू, इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, ए आपका टाइडल वॉल्यूम, बी है वाइटल कैपेसिटी, सी है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिक्रीज इन पीएच कॉजेस ओ टू डिसोसिएशन,
कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन टू शिफ्ट टू। ठीक है, अगर आप पीएच जो है उसको कम कर देते हो, O2 डिसोसिएशन का कर्व का क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट राइट, इट विल रिमेन अनचेंज, या फिर इट विल ऑसिलेट इरेटिकली। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज इट विल शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज 4.5 to 5.5 liter, 3.5 to 4.5 liter, 2.5 to 3.9 liter, या फिर 1.5 to 2.5 liter। सो द करेक्ट ऑप्शन, आपको अगर आपका आंसर अभी नहीं पता चला है तो आप लोग इसे स्टॉप भी कर सकते हो, उसके आगे भी देख सकते हो। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, 3.5 to 4.5। एट हाई एल्टीट्यूड RBCs ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो RBC का जो नंबर है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर साइज डिक्रीज होगा उनका, या फिर साइज इंक्रीज होगा। तो दो चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, नंबर और साइज को। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, ये आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि जो RBC का नंबर है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का, इट इज स्टिमुलेटेड बाय ए कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन वेनस ब्लड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन आर्टरियल ब्लड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन कंटेंट इन वेनस ब्लड, या फिर ऑक्सीजन कंटेंट इन आर्टरियल ब्लड। ये आपका आर्टरी और वेन्स, ये वाला फॉर्म्स है यहाँ पर, आर्टरियल और वेनस से आप कंफ्यूज ना हो। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन आर्टरियल ब्लड। नेक्स्ट चलते हैं, द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, जो लंग की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, नेक्स्ट आपका पेरिकॉन्ड्रियम, ऑप्शन नंबर सी प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका पेरिटोनियम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज योर ऑप्शन नंबर सी प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ आप लोगों के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर नीट के अंदर और एम्स के अंदर, और आप ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फंबल कर जाते हो। सो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर बताया गया है दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, आपकी जो RBCs है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और या फिर आपकी स्टेटमेंट नंबर सेकेंड कहती है कि इन इराइथ्रोसाइट्स CO2 कम्बाइंस विद H2O, CO2 जो है पानी के साथ कंबाइन करेगा और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट टू गलत है। स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट है, और दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसी की वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि स्टेटमेंट वन में जो दिया हुआ है कि आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो प्रेजेंट रहता है इराइथ्रोसाइट में, उसी की वजह से इराइथ्रोसाइट के अंदर क्या होता है, CO2 कंबाइन करता है H2O के साथ और आगे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन इज, ऑक्सीजन बाइंड करती है हेमोग्लोबिन से किस तरीके से, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसेंट्रेशन, एम्स का 2012 का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि ये जो लास्ट के 10 से 15 ईयर्स के क्वेश्चन है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। सो क्वेश्चन इज ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO कंसेंट्रेशन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसेंट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट ऑफ CO कंसेंट्रेशन। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसेंट्रेशन, यानी कि उतना जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से उतनी ही कम होती रहेगी CO2 की कंसेंट्रेशन, और जितनी ज़्यादा CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ही कम होती रहेगी ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये इन्वर्सली है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की तरह कितना परसेंटेज है CO2 का वो ट्रांसपोर्ट होता है
आगे नाउ ऑप्शन नंबर ए 70%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 20-25% या फिर ऑप्शन नंबर डी 97%। अब देखो आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो कितना परसेंट होता है CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट, और एक ये है कि CO2 ट्रांसपोर्ट किस वे में करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट करता है एज बाइकार्बोनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 70%, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है इम्फिसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये PMT 2007 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है इन्फ्लेशन ऑफ एल्विलाय, बी पल्मोनरी हेमोरेज, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एयर सैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन्फेक्शन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इन्फ्लेशन ऑफ एल्विलाय। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर अपटेक ऑफ बॉडी टिश्यू। बहुत बड़ा पोर्शन होता है ऑक्सीजन का जो कि अनयूज्ड ही रह जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, जबकि हम उसको सभी बॉडी टिश्यू तक भी पहुंचा देते हैं फिर भी वो यूज़ नहीं हो पाता है, ये कौन सा ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96%, हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू एपिथीलियल टिश्यू, एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, या फिर इट रेज प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ ब्लड टू 75 mmHg। सो आप जब एक्सरसाइज करते हो तब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इनहेल नहीं कर पा रहे हो ऑक्सीजन, तब ये जो ऑक्सीजन होती है जो कि अनयूज्ड थी ये यहाँ पर यूज़ होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्क्यूलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम चलते हैं, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन द डायफ्राम, यानी कि जब आप इनहेल करते हो एयर को तो डायफ्राम का क्या पोजिशन यानी कि क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, वो एक्सपैंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाता है, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है, या फिर इट डज नॉट गो अंडर एनी चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट विल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही आप सांस अंदर लोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे ही आप सांस छोड़ोगे वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इन टिश्यू कॉज्ड बाय, ए लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है वो क्या होती है, ये हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं, एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दैट ए है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, जो रेस्पिरेशन की रेट है वो डायरेक्टली यानी कि आप किस अमाउंट में आप रिस्पायर कर रहे हो यानी कि इनहेल कर रहे हो एक्सहेल कर रहे हो उसको डायरेक्टली अफेक्ट कौन करता है, ए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इन ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायफ्राम एक्सपेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली। ओके, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन का भी आपके यानी कि सांस लेने का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसी के साथ हमने अराउंड 42-43 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ प्रीवियस ईयर हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर चैनल पर पहली बार हो और ये वीडियो देख लिए यहाँ तक प्लीज़ लाइक करो सब्सक्राइब करो, बिकॉज इससे नेक्स्ट चैप्टर के भी वीडियोज़ आने वाले हैं और आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, इस तरीके की सभी इकोलॉजी, बायोटेक, सभी यूनिट्स के आपको नीट के लिए आगे आने वाले सभी टॉपिक्स को कवर करूंगी मैं, इसी तरीके से रिवाइज कराऊंगी क्वेश्चंस के साथ। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।